चिट्टा और अन्य मादक द्रव्यों के प्रचलन से हिमाचल का युवा बर्बाद न हो, इसे लेकर कांग्रेस सक्रिय हुई है। रामपुर कांग्रेस ने पुलिस की हर संभव मदद के लिए पंचायती राज संस्थाओं और विभिन्न संगठनों को आगे आने के लिए कहा है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कांग्रेस अध्यक्ष अतुल शर्मा की अगुवाई में DSP रामपुर शिवानी महिला IPS से भी मिला। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का हर विंग और पार्टी से जुड़े पंचायती प्रतिनिधि भी मादक द्रव्यों को रोकने में पुलिस की हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार के आने के बाद चिट्टा पर काफी अंकुश लगा है, लेकिन इसकी जड़ों को आसानी से उखाना संभव नहीं। अतुल शर्मा कांग्रेस जिला शिमला अध्यक्ष ने बताया, चिट्टे के विरुद्ध पुलिस ने अभियान चलाया है, उसके लिए बधाई देते हैं। इस नशे को गांव-गांव से रोकने के लिए हम सब का भी दायित्व है, इसमें कांग्रेस के सभी लोग आगे आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य वारदातें भी हुए हैं, उन पर भी रोक लगे, इसे लेकर DGP से मिले। कुछ ऐसी वारदातें हुई हैं, चाहे वो मर्डर का केस हुआ है चाहे दूसरे केस हुए हैं, कि उनकी गुत्थी जल्दी, हालांकि इसमें ये नए DSP जो महोदय आए हैं वो काफ़ी कामयाब रहे हैं। हम सब का एक यही अभिनय का औचित्य यही है, एक यही है कि हम सब लोग मिलकर इस मुहिम में, जो चिट्टे के खिलाफ एक मुहिम प्रदेश सरकार की है, सरकारी कर्मचारियों की है, कि उसमें एक आम लोगों की सुनिश्चितता हो, उसमें हर एक आदमी अपना दायित्व समझे, चाहे वो पंचायत का प्रधान हो चाहे दूसरा हो। नशे से जो हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उस नशे को रोकने के लिए युवा पीढ़ी के प्रति सजग होने की जहाँ पे हर एक का कर्तव्य है, चाहे सरकारी कर्मचारी है, उसमें आम जन लोगों का भी एक कर्तव्य है। उसके तहत आज DSP साहब को भी, अभी SDM साहब को मिले, अभी DSP साहब को भी हम अपने हमारे ब्लॉक का कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जाकर मिलेंगे। DSP रामपुर शिवानी महिला IPS ने बताया, पुलिस की टीमें मिलकर समूचे इलाके में सजग है। उनका प्रयास है कि ड्रग की खपत को रोका जाए, तभी सप्लाई पर अंकुश लगेगा। फ्रीक्वेंट रेड्स करेंगे और अपने इंटेल सोर्स जो है हम लोग और प्रोमिनेंट कर रहे हैं इन सब चीजों में। और मैं एक और आप लोगों के थ्रू एक अपना एक इनिशिएटिव है, बेसिकली मैं इससे रिलेटेड अपने जो सीनियर्स हैं उनको भी एक लेटर लिख रही हूँ और बाकी जो गवर्नमेंट उनको भी। एक सलाइवा टेस्ट है जो गोवा पुलिस ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है रिलेटेड टू ड्रग एडिक्ट्स। उसमें सलाइवा टेस्ट से बेसिकली ये लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ड्रग एडिक्ट्स और नॉर्मल जो अल्कोहल एडिक्ट्स वगैरह हैं, सबमें हम लोग अलग अलग इनको सेपरेट कर पाते हैं ताकि उनके खिलाफ हम लोग एक्शन ले सकें। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ डिटेक्शन किट रामपुर पुलिस या शिमला पुलिस पूरे सबको मिलना चाहिए ताकि हम लोग जाके इससे डिटेक्शन किट से उनको टेस्ट करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें।